मेरा नाम सुनीता है, मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ और मैं ग्रामीण क्षेत्र से निवास करती हूँ। पहले मैं राजीविका में काम करती थी, उससे पहले मैं एक मेट थी ग्रामीण नरेगा में। तो अब मैं लोकतंत्र शाला के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर हमें ट्रेनिंग दी गई थी और किस प्रकार जो फील्ड में जाकर आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। तो इस दौरान मैं जब पेंशन सत्यापन करने के लिए एक बुजुर्ग महिला के घर पे गई तो वहाँ दो चार और लोग खड़े थे जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर। तब मैंने उन बच्चों के घर पे जाके देखा कि जो चार भाई बहन थे उसमें से एक बड़ी बहन की तो शादी हो गई थी, जो तीन भाई बहन थे उसमें एक जो उस लड़की की बहन थी वो किसी के घर पे जाके पोंछा वगैरह लगा के मतलब कि अपने भाई बहनों का पालन पोषण करती थी। जो लड़का था वो एक विकलांग था, घोड़ियों पे चलता था, वो 8th क्लास में था और एक बहन उसकी और थी जो 9th क्लास में थी। लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था और ना ही पालनहार का, और मम्मी छोड़कर उनकी दूसरे गाँव में उसने शादी कर ली थी। तो उनके पास किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ नहीं था, किसी का कोई सहारा नहीं था। उस लड़के का विकलांग का प्रमाण पत्र बना हुआ था लेकिन उसको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। उसके पापा की डेथ हुई को 1 साल हो गया था और वो बैंक अकाउंट क्लोज हो चुके थे, बंद हो चुके थे। उनको वापिस से रीओपन करवाना था क्योंकि उसके भुगतान राशि के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत थी। ले जाने के बाद पहले तो उनके आधार कार्ड अपडेट करवाए, किसी की जन्म तारीख गलत थी वो सही करवाई। तो उसके बाद उनका बैंक अकाउंट का काम होने के बाद में 15 दिन जब जनाधार की केवाईसी का प्रोसेसिंग पूरा हुआ तो उनका पेंशन का फॉर्म अप्लाई हो गया और पालनहार का भी। आज वो बच्चे घर पर पेंशन और पालनहार की राशि ले रहे हैं और उनको बहुत सहायता मिली इस योजना से और वो बच्चे बहुत खुशी है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि उनको मैंने इस प्रकार की सहायता दिलाई।